सीएम साहब को तुरंत उन्हें विधायक जी को जेल में डालना देना चाहिए, चाहे फांसी की सजा हो गए जो ऐसा ये गलत काम हो रहे, छोटे छोटे बच्चों के साथ चाहिए ऐसे आदमी को तो फौरन अरेस्ट करो, कानूनी कार्रवाई जो भी उस पर बनती हो वो होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, तकड़ी सख्त सजा मिलनी चाहिए साले को। देश के मुद्दों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अभी दबाइए। योगी सरकार इस वक्त मुश्किल में है क्योंकि अपने विधायक को बचाने का आरोप लग रहा है। कई दिन बीत चुके लेकिन अब तक विधायक साहब गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मामला तो दर्ज हो गया, ऐसे में गिरफ्तारी क्यों नहीं? जनता जनार्दन से इस मुद्दे पर बात करेंगे कि उनकी क्या राय है, क्या वाकई योगी आदित्यनाथ राजधर्म का पालन नहीं कर पा रहे? नहीं नहीं भाई, बचाने में तो लग नहीं रहे उसको, अब उसके ऊपर वो भी आ गया कि रिपोर्ट भी लिखी गई, FIR दर्ज हो गई है उस पर। अब तो ये है कि उसने CBI की उसके भी लिए भेज दिया है। अब लेकिन कहीं कहीं ये रहता है कि भाई बचाव में आता तो अगर वो योगी जी अगर आते बचाव में तो फिर वो योगी ने CBI की या और उसके ऊपर FIR वगैरह दर्ज ना होती उसके पास। अगर अगर केस प्रूव हो जाता है उसके ऊपर तो निश्चित गिरफ्तारी होगी उसकी। अगर जब अगर भाई ADG ने भी कह दिया, कोई आम आदमी होता तो अब तक इस तरह से घूमता? नहीं नहीं, अगर आम आदमी तो देखो आम आदमी होता, अच्छा क्या हश होता, आम आदमी होता वो इस तरह नहीं घूमता, जेल में होता ना, वो जेल में होता। एक उसको VIP तो वो गया है एक विधायक होने के नाते, लेकिन वो यूँ कह रहा है कि मेरा नार्को, उसकी VIP कह रही है मेरा नार्को टेस्ट करवा लो या उसका भी नार्को टेस्ट करवा लो। वहाँ पे एक यू भी आया था कि एक देवेंद्र सिंह करके हैं वो इनके NT हैं और ये गलत हुआ कि उसके फादर की डेथ हुई, ये वाकई में उसको गलत हुआ। एक बेटी के पिता मर जाते हैं उनके साथ गैंग रेप होता है, हैं वो गलत है, लेकिन सरकार चुप्पी है ना, चुप्पी शादी हुई है ना, मरने के बाद तो जागी सरकार, एक्शन ले, अब तो एक्शन 260 दिन बाद केस दर्ज हुआ है, 260 दिन बाद तो एक्शन तो अब हो ही रहा। अच्छा फिर उल्टी साइड इलेक्शन, जो जिन जिन मुख्यमंत्री को सख्ती के ले जाने जाता है उन मुख्यमंत्री के, आपसे कहा ना आम आदमी होते अब तक हो जाता, वो तो फर्क आ गया थोड़ा सा, ऐसा एनकाउंटर करो तो मुसीबत, बचाएंगे उसको और जब कोई चीज नॉलेज में आने लगती है तो उसी हिसाब से फिर आगे आगे कार्रवाई भी होने लगती है। 260 दिन हो गए सर, बस ये बहुत दिन बाद हाईलाइट हुआ है, ये हाईलाइट ही बहुत दिन बाद हुआ, हम लोगों को आप लोगों को कब पता चला? अभी भले ही चाहे उन्नाव में कभी भी हुआ हो लेकिन हाईलाइट तो अभी 5-7-10 दिन में ही आया है, जो जैसे हम हमारी नॉलेज है। तो हम तो ये समझते हैं कि योगी जी इस पर निष्पक्ष रहेंगे और जो भी एक दोषी होगा जो उसको सजा होगी वो 100% करेंगे। यहाँ पे बैकफुट पे दिख रही है आपको BJP? फिलहाल बैकफुट पे है, ये बात मानिए बैकफुट पे है, लेकिन बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि जो उनको जब नॉलेज में जब लेट ही आता है तो उसको फिर नहीं ले, उसमें कुछ गलती भी होती है और कुछ वो भी। BJP के विधायक MP जो है वो उपवास कर रहे हैं एक दिन का, आज उनका उपवास खत्म हो गया एक दिन पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो हो रही है लेकिन उसके लिए उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मतलब वो तो छोले भटूरे का बाकी है, लेकिन उपवास तो आज इन्होंने सिर्फ संसद नहीं चलने के ऊपर किया है, अपनी तरफ से तो वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसे विधायक पर कार्रवाई कैसी हो ये बताओ आप, विधायक अगर इन्वॉल्व होता है तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो होनी चाहिए बस, क्या होना चाहिए? जो भी आम आदमी का सजा है रेप में, जो भी सजा है, जो गिल्टी पाया जाएगा होना चाहिए, तो कोई भी हो। और मैं समझता हूँ BJP के भी, चाहे मोदी जी चाहे योगी जी, वो भी इस चीज में बचाएंगे नहीं, वो तो इस मामलों में निष्पक्ष है, भले ही दूसरे लोग कुछ भी कहते रहे। और देखो ये शासन तो योगी जी का और मोदी जी का निस्वार्थ चल ही रहा है, बाकी विपक्षी लोग इकट्ठे होकर जो मर्जी करते रहे, इससे पहले का 70 साल में क्या नहीं होता है बताओ, लेकिन अब 4 साल में ये क्या एकदम इनके पास अलादीन का चिराग तो है नहीं कि दो लड़कियों के साथ रेप हुआ था और उन्हें पेड़ पे लटका दिया गया था और उनके वास्ते कुछ एक्शन नहीं हुआ था। जब बाद में जब आप बताइए जैसे मीडिया वगैरह आप आगे आए, आप लोगों की वजह से आप आ गए तो उनके ऊपर भी एक्शन हुआ चाहिए, ऐसे आदमी को तो फौरन अरेस्ट करो, कानूनी कार्रवाई जो भी उस पर बनती हो वो होनी चाहिए, किसी तरह का भेदभाव ना हो, वो MLA BJP का हो या MLA बसपा का हो, इससे कोई लेना देना। नाम है कुलदीप सिंह सेंगर, हाँ बाप, इंसानियत सजा मिलनी चाहिए, तकड़ी सख्त सजा मिलनी चाहिए साले को, और उस लड़की के बाप को मर्डर कर दिया। आपको क्या लगता है कि योगी जी राजधर्म निभाने में यहाँ पर बिल्कुल व्यापक काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, फेल हो गए? नहीं फेल नहीं हुए, फेल तो नहीं, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारी होने वाली है, थोड़ा टाइम लगता है, हाई कोर्ट भी सख्त हो गया उसके बाद भी नहीं, नहीं गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी, होने वाली है। इसमें योगी जी क्या, योगी जी का कहीं मंत्री का विधायक है सर, मुख्यमंत्री का विधायक, योगी जी ने एक बार भी उसका फेवर नहीं किया, अब वो कानून के हिसाब तो हिसाब से चलेगा, उन्होंने कह दिया अरेस्ट करो, उन्होंने उसके भाई को अरेस्ट करवा दिया, उन्होंने उसको भी कहा अगर ये है एंटेंगल है तो इसको MLA को भी अरेस्ट करो,
तो उन्होंने तो कह दिया योगी जी ने। तो आपको क्या लगता है बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्या कोई इसे बीजेपी बचाने की कोशिश कर रही है? सीबीआई काम कर रही है, सीबीआई को दे दिया, एसआईटी कह रही है कि भाई केस सीबीआई पे चला गया तो हम गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे, हाई कोर्ट ने कहा तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। आपको क्या लगता है बचा रही है सीबीआई? जब तक फैसला नहीं करती सीबीआई का फैसला आना चाहिए। आपको क्या लगता है सर ऐसे तमाम केस हुए जो सीबीआई के पास गए लेकिन उसमें कुछ निकल के नहीं आया हाल, क्योंकि यहाँ पर बात बीजेपी की है और सीबीआई भी आपको पता है किसके इशारे? ये होगा अरेस्ट होगा, पब्लिक ओपिनियन होगी ना, ये तो पब्लिक ओपिनियन के भी इसको अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट किया जाए कि नहीं किया जाए? हाँ बिल्कुल, माफ नहीं होना चाहिए, सख्त सजा मिलनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? गलत काम करे, कोई भी गलत काम करे उसे सजा मिलनी चाहिए और कानून भी ऐसा बनना चाहिए, चाहे फांसी की सजा हो, जो ऐसा ये गलत काम हो रहे छोटे छोटे बच्चों के साथ जिनको लक्ष्मी लक्ष्मी मानते हैं हम लोग, उनके साथ गलत काम हो रहा, इन्हें तो सजा पूरी मिलनी चाहिए, सख्त सजा मिली। बिल्कुल बिल्कुल, सजा तो जो बनती है बननी चाहिए, किसी तरह का योगी जी को ये भेदभाव कतई नहीं होना चाहिए कि ये बीजेपी का एमएलए है या मेरा अपना है या दूसरे का है, जो भी जुर्म करेगा वो सजा पाएगा। आपको क्या लगता है सर, आपको लगता है कि योगी जी गिरफ्तार कर पाएंगे अपने ही विधायक? अगर उनकी गलती है तो उनको गिरफ्तारी तो उनकी होनी ही चाहिए, इसमें किसी को भी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ और सजा होनी चाहिए। अच्छा, इतने सख्त मुख्यमंत्री जो एक साल में उनकी सख्ती साफ तौर पर दिखी, यहाँ पर नरम है क्या अपने विधायक पे? आपको दिखता है क्योंकि जनता सब जानती है, आप क्या जानते? नहीं, बिना ऐसे किसी के खिलाफ जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं हो जाते सरकार भी ऐसे कदम नहीं उठा सकती, इस कारण जब तक पुख्ता सबूत नहीं हो जाते तो सरकार ने इसलिए ऐसा किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सरकार अपनी पूरी तरफ से पूरी लगी हुई है कि भाई सख्त से सख्त कार्रवाई हो अगर गलत हैं तो। जबकि उस विधायक जी की गिरफ्तारी पहले ही दिन हो जानी चाहिए थी, हुआ उल्टा, पीड़ित के पिता को पकड़ के पुलिस ने मारा, उससे इतना मारा कि वो मर गया और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप बताओ क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए सीएम साहब को, क्या कदम उठाना चाहिए? सीएम साहब को तुरंत उन्हें विधायक जी को जेल में डालना देना चाहिए और सबके लिए बराबर न्याय व्यवस्था होनी चाहिए देश में, जाँच बिठानी चाहिए बस, और क्या चलिए जाँच बिठानी चाहिए। ठीक सर, बहुत धन्यवाद। तो लगातार सवाल यही है कि आरोपी विधायक की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? जनता जनार्दन ने तो अपना फैसला सुना दिया, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आप भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि अब वाकई बीजेपी या फिर योगी अपने विधायक को बचाने में लगे हैं या फिर पूरी तरह से निष्पक्षता से कार्रवाई होगी, आपको क्या उम्मीद है? अपना कॉमेंट करके हमें बताएं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए पूरे देश में अपने दोस्तों के साथ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। नमस्कार। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।